सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव, आप सब लोगों का मेरे डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट अच्छी गुणवत्ता का कैसे बनाएं। देखिए, ये सबसे पहली चीज़ होती है वर्मी कंपोस्ट के लिए, वो है गोबर। और गोबर बिल्कुल ताज़ा नहीं होना चाहिए और ना पुराना होना चाहिए। गोबर होना चाहिए लगभग एक महीने तक का। गोबर लाने के बाद में उसमें पानी डालकर 10 दिन तक ठंडा किया जाता है। और फिर इस प्रकार से देखो, प्लास्टिक की नीचे पन्नी बिछाकर ऊपर आप इसको गोबर की डेहरिया बनाई जाती है। जो डेहरिया बनाई जाती है वो 4 फीट चौड़ी और लगभग 30 फीट आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। और हर बेड के बीच में 1 फीट की जगह छोड़ी जाती है। ये जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि आप इसमें बीच में चलकर दोनों साइड आराम से बेड के ऊपर काम कर सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेड बनाते समय और सावधानी क्या रखनी चाहिए कि जो गोबर है उसमें नमी इतनी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए। और डेरी बनाने के बाद में इस पे ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं। केंचुए आइसिनिया फोरिडा प्रजाति के होते हैं। केंचुए बेड के ऊपर 30 फीट की लंबाई बेड में आपको लगभग 15 किलो केंचुए छोड़ने होते हैं। और ये केंचुए छोड़ने के बाद में आप जो गनी बैग जो बोरी आती है इससे ढक देना चाहिए। मैं कल एक यूनिट विजिट कर रहा था, उनमें सबसे बड़ी समस्या आई, उन्होंने पराली से ढक दिया और जब उन्होंने छाना तो उस पूरे खाद की पूरी क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि उस खाद में पूरे उस पराली के तिनके आ गए हैं। अब इसी के साथ साथ देखिए कि जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी क्वालिटी किस प्रकार से आपको वर्मी कंपोस्ट की बनेगी, बिल्कुल शानदार। देखो, ब्लैकिश कलर का है और एकदम अच्छा वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस खाद की क्वालिटी यदि आप अच्छे रखेंगे तो आपके पास दूर दूर से कई जगह से लोग ग्राहक आएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं तो उसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह से गोबर खरीदें जो पक्के फर्श का गोबर हो, क्योंकि राजस्थान की कंडीशन में यहाँ बालू मृदा पाई जाती है और यदि आप वहाँ किसी कच्चे फर्श का गोबर लेंगे तो उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाएंगे। देखिए, मैं अभी आपको जो केंचुआ दिखा रहा था वो आइसिनिया फोरिडा प्रजाति का है और ये ऐसा केंचुआ है जो 90% आपका ऑर्गेनिक मैटर और 10% मिट्टी खाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बाकी की बेड दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल देखिए, बेड के ऊपर बोरी बिल्कुल नमी को मेंटेन रखती है। बोरी के बहुत फायदे हैं क्योंकि ये एक तो पानी को उड़ने नहीं देती है, एक जो पक्षी जो चोंच मार के केंचुए खाते हैं वो नहीं करेंगे, और सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आपकी इस बेड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और नीचे से गीला होगा और केंचुए एक्टिव रहेंगे क्योंकि जहां जितना अधिक अंधेरा होता है वहीं केंचुए ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो केंचुए जो भी है हमारे बिल्कुल एक्टिव कंडीशन के अंदर है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं आगे कि हम बताऊंगा कि किस प्रकार से हम वर्मी कंपोस्ट को छानेंगे और छानने के बाद में उसको किस प्रकार से आप रखेंगे, कितनी उसमें नमी होनी चाहिए। आप वीडियो के साथ बने रहिए, अभी मैं आपके पास लेके आया हूं कि मशीन कैसी होनी चाहिए। तो आप देखना, ये मशीन जो मैंने, आप जो देख पा रहे हैं, ये मशीन मैंने खुद ने बनवाई है और ये बहुत कम कॉस्ट में मशीन बनी है, मोटर चालित है। एक दिन में ये मशीन लगभग 5 टन वर्मी कंपोस्ट छानती है। आप देखिए, मशीन के अंदर जो जाल लगा हुआ है इसमें 4 mm की जाली लगी हुई है और ये बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट को छानती है। ये मशीन चल रही है यहाँ पे और ये जैसे हमने इसको डाला तो पूरा वर्मी कंपोस्ट इसमें नीचे से जाली से निकल जाएगा। जो थोड़ा बहुत रहता है आप देख पा रहे हैं, लगभग 2 से 3% इसमें ऊपर निकल कर दूसरी साइड गिरता है और बाकी 98% अपने पास वर्मी कंपोस्ट नीचे गिर जाता है। इसी के साथ आप बने रहिए, वीडियो के अंदर हम बताएंगे केंचुए कैसे होने चाहिए, केंचुए की कल्चर किसानों को देते समय उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखो, क्वांटिटी फुल होनी चाहिए, किसान के हित में काम करना चाहिए। केंचुए अपने आप प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा मकसद ये रहता है कि किसान को 1 किलो में जितने से अधिक हो केंचुए जाए, क्योंकि नया नया काम होता है उसमें यदि केंचुए किसान को कम मिल जाते हैं तो उसका बिजनेस और उसका जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वो फेल हो जाती है। देखिए, ये पक्का स्ट्रक्चर भी हमने बनाया है, इसमें भी अच्छा खासा हम कल्चर हमारे पास बना रहता है। आप देखिए, ये मेरा डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म अभी
एक साल हुआ है स्टार्ट किए हुए, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम एक साल बाद में मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ और पूरे इंडिया में इसका नाम हो। और आप सब लोगों की दुआ से ये अभी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और किसान हित में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको नॉलेज दूंगा बिल्कुल एक्यूरेट दूंगा, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर शोधार्थी होने के साथ साथ मैं किसान पुत्र होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि जो मैंने 12 साल के अंदर स्टडी किया एमएससी पीजी जो जैविक खेती में किया, तो मेरा पूरा नॉलेज किसानों के पास जाए। अब देखिए हम किसान को केंचुए किस प्रकार से प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपके सामने केंचुए के कल्चर की डेरिया है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें केंचुए किस प्रकार से हैं। डेरिया इसलिए बनाते हैं कि धूप के कारण केंचुए अंदर जाएंगे और ऊपर से हम पूरी खाद हटा लेंगे, और कहीं से लाओगे तो आपको सिर्फ गोबर मिलेगा और केंचुए नाम मात्र के होंगे। तो आप हमारे से जुड़ी रही, देखिए इस प्रकार के बंच होते हैं। तो एक किलो में मैं 2000 केंचुए कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि 2000 ही नहीं, मैं तो इतने केंचुए देता हूँ कि किसान यदि इसको काउंट करे तो 3000 से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक केंचुए का वजन वैसे 1 ग्राम होता है तो 1000 केंचुए होने चाहिए, लेकिन छोटे मोटे सब मिला के, क्योंकि एक केंचुआ यदि एडल्ट है उसके बच्चे हैं तो 10 केंचुओं के बराबर वो एक एडल्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि जितने छोटे केंचुए होंगे उतने बढ़िया होंगे, क्योंकि जैसे ही आपके गोबर में गिरेंगे वो बड़े हो जाएंगे और आपको फायदा होगा। आप यदि बड़े केंचुए लोगे तो 1 किलो में 1000 केंचुए आएंगे, और छोटे लोगे तो 2000-3000 आपके पास जितने हो सके उतने केंचुए आएंगे। तो ये आप भी बिल्कुल ये दिमाग में से हटा दीजिए कि मेरे पास छोटे केंचुए आए, वो छोटे नहीं, वो आपके पास बहुत अच्छे केंचुए आए हैं। देखिए इसी के साथ मैं चलता हूँ आगे, आपको मैं कई सारी डेयरियों में दिखाऊंगा। हम हर किसान को इसी प्रकार से एक क्वालिटी वाला केंचुआ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे किसान का अच्छा हित हो और वो अच्छे से जल्दी समय में कम समय के अंदर अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट को बढ़ा सके। देखिए इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि केंचुए आप जहाँ तक हो सके आप खुद आइए और ट्रस्ट के साथ लेके जाइए, क्योंकि कई लोग जब आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो वो उसके अंदर गोबर भेज देते हैं, एडवांस पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप दोनों कंडीशन अपना सकते हैं, आप घर आओगे तो भी उतनी क्वांटिटी मिलेगी और आप ऑनलाइन ऑर्डर दोगे तो भी उतनी क्वांटिटी मिलेगी। जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही माल जाएगा। तो मैं एक बार फिर हमारे जो किसान मित्र है, जो हमारे अन्नदाता है, उन सब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको जितना हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि जो नॉलेज जो स्किल आपको हमारे इस चैनल से मिलेगी, मैं ये वादा करता हूँ आपको ऐसी एक्यूरेट और बिल्कुल करंट जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा बिजनेस तो है ही है, बिजनेस के नाते मेरा ये भी है कि मेरा ये जो वर्मी कंपोस्ट है, जो ऑर्गेनिक, और वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, मैं आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आइए, मैं आपको 50 प्रकार के जैविक उत्पाद बनाना सिखाऊंगा और आराम से जैविक खेती करें। मैं उन उत्पादों का अभी नाम नहीं लूंगा, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अभी मैं वर्मी कंपोस्ट का इसलिए वीडियो बनाया है कि यही एक ऐसा उत्पाद है, ये एक ऐसी खाद है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, और जमीन में डालने के बाद में उसके जो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसे सभी 17 पोषक तत्व अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी में होते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।